पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 24,000 केसेस आए हैं। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फ़ोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। जो केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले तक दिल्ली के अस्पतालों में बेड होने, आईसीयू होने और सारी व्यवस्था कंट्रोल में होने का दावा कर रहे थे, वही केजरीवाल अब केंद्र से मदद मांगने पर मजबूर हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना संकट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसने केजरीवाल सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि यहां एक दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 24,000 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 24,000 केसेस आए हैं। ये रिपोर्ट थोड़ी देर में अभी जारी होगी, जो डेली बुलेटिन जारी होता है। पिछले 24 घंटे में 24,000 केसेस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में आए थे 19,500 केस। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर केसेस 19,500 से बढ़ के 24,000 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24% से ज़्यादा हो गया है, तो स्थिति काफ़ी गंभीर है। जाहिर है कि महामारी की ऐसी मार से सबसे ज्यादा असर दिल्ली के अस्पतालों पर पड़ रहा है, जहां मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोग बेड ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। कोरोना के चलते बिगड़ रहे हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद खुद माना कि दिल्ली के अस्पतालों में अब आईसीयू बेड कम पड़ते जा रहे हैं। जिस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है, तो बेड्स बहुत तेजी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेजी के साथ खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने कई कदम उठाए जिसकी वजह से बेड्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया और अभी तक दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं होने दी गई। अभी भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमने बेड्स को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि बेड्स की क्षमता बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके लिए कुछ बैंक्वेट हॉल को भी अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि केंद्र की मदद के बिना सभी मरीजों का इलाज संभव नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फ़ोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे, इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब डराने लगी है। राजधानी की सड़कों पर पसरा सन्नाटा इसी डर का ही नतीजा है। कोरोना के केस बढ़ने के बाद दिल्ली फिर 2 दिनों के लिए तालेबंदी में जकड़ गई। शुक्रवार रात से यहां 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। मकसद यही है कि किसी भी तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके। लेकिन दूसरी लहर में कोरोना जिस रफ्तार से राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में ले रहा है, उस पर काबू पाने के लिए और भी सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।